आम आदमी पार्टी ने वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस पर बोला हमला। कानून मंत्री सोमनाथ भारती के बचाव में जारी किए 8 वीडियो। वीडियो में दिख रही है कार, कार के डैशबोर्ड में कंडोम लिक्विड के भी निशान। तीसरे वीडियो में सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ रहा एक विदेशी शख्स इलाके के लोगों को सरेआम कर रहा है परेशान। वीडियो में पुलिस कर रही है उसे रोकने की कोशिश, इलाके के लोग पुलिस से कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश विदेशी लोगों की हड़दंग से परेशान है इलाके के लोग। आम आदमी पार्टी के एक और वीडियो में दिल्ली पुलिस का दिखाया गया बर्बर चेहरा। लाल किले के पास युवक को बेरहमी से पीट रही है पुलिस। 24 जनवरी को इंटरनेट पर अपलोड किया गया पुलिस की दरिंदगी का वीडियो। युवक बार बार कर रहा छोड़ने की अपील। वीडियो देखकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई, जितेंद्र अरविंद और सौरभ नाम के कांस्टेबल को किया सस्पेंड। दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए सोमनाथ भारती, उनके वकील ने महिला आयोग में किया हंगामा। नरखा ने पूछा भारती के पास पतंगबाजी के लिए वक्त है तो आयोग के सामने क्यों नहीं हाजिर हुए कानून मंत्री। कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी ने बढ़ाया दबाव, राजधानी में 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम को लिखा खत, पूछा बिना सलाह किए गृह मंत्रालय ने कैसे कर दिया आईएएस अफसरों का तबादला। रेल भवन पर धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा, 6 हफ्तों में मांगा जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पहला सरकारी उद्घाटन, एक रिक्शा वाला करेगा आज अस्पताल का उद्घाटन। उद्घाटन के एक दिन पहले केजरीवाल ने विजय बाबा को सचिवालय बुलाया, अस्पताल के उद्घाटन की दी जानकारी। रिक्शे पर केजरीवाल के साथ लगा रखी है अपनी तस्वीर, 20 साल से चला रहे हैं रिक्शा। आम आदमी पार्टी सरकार ने ठेके के कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए शुरू की कार्रवाई, प्रक्रिया शुरू करने के लिए बनाई 5 सदस्यों की समिति। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सभी 11 डिप्टी कमिश्नर के साथ की बैठक, अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए 10 दिन के अंदर मांगा खाका। एक विज्ञापन पर विवाद के बाद कांग्रेस ने जारी किया दूसरा एड, दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए बिलबोर्ड। राहुल गांधी के अखबारों में छपे विज्ञापन पर विवाद, बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया आइडिया चुराने का इल्जाम, दूसरे विज्ञापन पर भी ली चुटकी। बीजेपी का दावा अखबारों में छपे विज्ञापन के नारे को मोदी ने दिया था 2011 में मैं नहीं हम का दिया था नारा। बीजेपी के ऐतराज के बाद कांग्रेस ने जारी किया दूसरा विज्ञापन, तोड़े नहीं जोड़े का दिया नारा। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दी सफाई, कहा सबको साथ लेकर चलने का कांग्रेस का है नारा। है कि अर्थव्यवस्था बढ़े और उस अर्थव्यवस्था में सभी लोग शामिल हों, उसका जो सार है वो सार हम है। योग गुरु रामदेव ने भी राहुल के विज्ञापन पर ली चुटकी, कहा ऐसा न हो कि चुनाव में राहुल की अकेली तस्वीर बन जाए असलियत। राहुल ने वर्धा में ग्राम पंचायत के सदस्यों से की मुलाकात, कहा 15 दिनों में कांग्रेस में टिकट बांटने की शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद शीला दीक्षित की राज्यसभा में कराई जाएगी एंट्री, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उनके नाम पर कर रही है विचार। हिमाचल से राज्यसभा सदस्य चुनी जा सकती हैं शीला दीक्षित, आज सोनिया गांधी करेंगी फैसला। बीजेपी ने राज्यसभा के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाएंगे विजय गोयल, राम नारायण और नारायण पंचारिया। पवार और वकील माजिद मेमन ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, शिवसेना से राजकुमार धूत ने भी भरा नामांकन। करुणा निधि के बड़े बेटे अलागिरी पर गिरी गाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में लिया गया फैसला, करुणा निधि के घर हुई बैठक में स्टालिन भी थे मौजूद। अलागिरी को सस्पेंड करने पर करुणा निधि के बेटे स्टालिन की सफाई का, भाई से कोई निजी विवाद नहीं। एसपी कार्यकर्ताओं को मुलायम की नसीहत, किसी के साथ ना करें दुर्व्यवहार, अधिकारी नहीं सुनते बात तो धरना देकर जताएं विरोध।
अन्याय हो वहीं विरोध करो, यह है समाजवादी पार्टी का नारा। कल भी हमने कहा था अगर बनारस की सभा में होंगे, जहां अन्याय हो वहीं विरोध करो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, का अफवाह मास्टर है बीजेपी। अरे सब डरा रहा है, समझ गए ना, ये सब डराता है। बहुत होशियार लोग हैं, अफवाह मास्टर हैं लोग। नीतीश ने लालू यादव पर भी बोला हमला, कहा एक अफवाह मास्टर तो दूसरा कह रहा है कानों कान। केरल के कन्नूर में सीपीएम के 2000 कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल, सीपीएम नेतृत्व से थे नाराज। सीपीएम नेता वीएस अच्युतानंदन का जवाब, पहले सीपीएम में शामिल होने आए थे, मना किया तो ओढ़ लिया बीजेपी का चोला। मुख्यमंत्री के कोटे से फ्लैट लेने वालों में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर भी, बेटे अपूर्व जावड़ेकर को नियम ताक पर रखकर दिया गया था फ्लैट। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर वसंत पुरके की पत्नी को भी मुख्यमंत्री कोटे से मिला था फ्लैट, आरटीआई ने खुलासा, विवाद के बाद सरेंडर किया फ्लैट। आरटीआई में खुलासा, 10 सालों में सीएम कोटे से आवंटित हुए 42% फ्लैट बेचकर कमाया गया मुनाफा। मुंबई में रिलायंस के दफ्तर के संजय निरुपम के अनशन का दूसरा दिन, बिजली सस्ती करने पर अड़े हैं निरुपम। निरुपम के धरने पर आप नेता मयंक गांधी ने किया हमला, कहा नकलची है निरुपम। सुरंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस कराएगी एडवांस फॉरेंसिक टेस्ट, शरीर पर चोटों के निशान की वजह जानने की कोशिश। राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस, हत्या आत्महत्या या हादसे के एंगल से हो रही है जांच। यूनिट घोटाले में बोमन ईरानी के बेटे से पूछताछ, बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने छोड़ा। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दानिश इनारी को बुलाया था, दानिश पर आरोप, 425 करोड़ के घोटाले में दानिश ने कमाया था मोटा मुनाफा। यूडब्ल्यू ने यश बिरला कंपनी बिरला पावर के 2 अकाउंट किए फ्रीज, एक केस में यश बिरला के 7 ठिकानों पर मारे छापे। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले परिवार को मिल रही है धमकियां, बयान बदलने के लिए किया जा रहा है मजबूर। शाहजहांपुर के परिवार को पानीपत के एक आश्रम संचालक दे रहा है धमकी, पीड़ित के पिता ने लगाया इल्जाम। पीड़ित के आरोप पर जोधपुर में चल रहा है आसाराम पर केस, रेप के आरोप में जोधपुर में जेल में बंद है आसाराम। समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला ने तय किया आरोप, स्वामी असीमानंद समेत केस में है 4 आरोपी। 8 फरवरी 2007 को ब्लास्ट में 68 लोगों की हुई थी मौत, 24 फरवरी को एनआईए कोर्ट शुरू करेगी गवाही। हरियाणा के रोहतक में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम, सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी से पकड़ा गया एक बदमाश। सुरक्षा कर्मियों ने जमकर लिया बदमाशों से लोहा, लेकिन उनके साथ देने कोई नहीं आया। घटना में एक सुरक्षा कर्मी को गोली लगी, लूट की पूरी कोशिश सीसीटीवी में कैद। मुंबई के सांता क्रूज में पुरानी इमारत तोड़ने के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। रात 11 बजे हुआ हादसा, अचानक 2 फ्लोर गिरने से दब गए मजदूर। गाजियाबाद में लड़की को छेड़ने का विरोध करने पर छात्र की हत्या, आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 3 महीने बाद सुलझाया केस, 9वीं में पढ़ता था आरोपी, कई बार हो चुका था फेल। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, जखीरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों की अदावत के चलते खून खराबा, 12 घंटे में दोनों गैंग के सगे संबंधियों का कत्ल। पुरानी रंजिश के चलते हुई गैंग वॉर, सुंदर भाटी गैंग के समर्थक के कत्ल के बाद अनिल दुजाना के भाई की हत्या। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का नेता और सिपाही करता था ट्रांसफर पोस्टिंग का गोरख धंधा, पुलिस ने किया खुलासा। नेता और सिपाही अफसर और जज बनकर करते थे फर्जीवाड़ा, ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे में बनाए करोड़ों रुपए। फरीदाबाद के पर्वतिया में चोर समझकर एक युवक की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने किया केस दर्ज।
कुशीनगर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में पंचायत सदस्य के पति ने किया हंगामा, अफसर को जड़ा थप्पा। पंचायत सदस्य किरण यादव के पति ने पंचायत अध्यक्ष के ऊपर फेंका नाश्ता और माइक, प्रशासन ने की कार्रवाई की बात। कैबिनेट की अगली बैठक में एलपीजी सिलेंडर 9 से 12 करने पर लग सकती है मुहर, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने जताया भरोसा। मोइली ने कहा पिछले हफ्ते जारी हो चुका है कैबिनेट नोट, सब्सिडी के सिलेंडर बढ़ने से सरकार पर बढ़ेगा 4,000 करोड़ का बोझ। बिल्डर्स की संस्था नरेटको ने कहा प्रतिनिधिमंडल दल पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली से मिला, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को तेजी से क्लियरेंस देने की मांग। नरेटको ने मोइली से की शिकायत, क्लियरेंस में लेट लतीफी के चलते प्रोजेक्ट्स में हो रही है देरी, ऑनलाइन के जरिए 60 दिन के अंदर अप्रूवल देने की मांग। स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज के लिए सोमवार को ईजीओएम की बैठक, जीएसएम कंपनियों और रिलायंस जियो के बीच एसयूसी को लेकर छिड़ी है जंग। 2005 से पुराने नोट हटाने को लेकर रिजर्व बैंक की सफाई, गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 31 मार्च के बाद भी पुराने नोट कानूनी रहेंगे। गवर्नर रघुराम राजन ने कहा आने वाले चुनाव से इस फैसले का कुछ लेना देना नहीं, सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने उठाया था सवाल। संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को अब कम से कम 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी, श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूर किया। ईपीएफओ से पेंशन पाने वाले 27 लाख लोगों को होगा तुरंत फायदा, चुनाव से पहले लोगों को लुभाने की कोशिश। अमेरिका ने रेनबैक्सी की एक और प्लांट से दवाइयों के आयात पर लगाई रोक, कंपनी के शेयर ने लगाया गोता। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, तीसरे ओवर में मिली थी पहली कामयाबी। आज के मैच में धोनी ने ईशांत को बाहर बैठाया, वरुण एरन को दिया गया मौका। 5 वनडे मैचों की सीरीज में पहले 2 वनडे हार चुकी है टीम इंडिया, आज हारे तो सीरीज हारेंगे। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है टीम इंडिया, आज हारे तो खोएंगे नंबर 1 का ताज। न्यूजीलैंड की टीम में भी एक बदलाव, काइली मिल्स की जगह तेज गेंदबाज हमिश बेनेट को मिला मौका। मोदी के जिंदगी के अहम उतार चढ़ाव पर होगा फिल्मांकन, मोदी के चाय बेचने वाले हिस्से का भी होगा जिक्र। फिल्म के प्रोड्यूसर है मितेश पटेल, फिल्म में थ्रिल के अलावा गाना भी होगा। फिल्म फेयर अवार्ड का ऐलान, फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ एक्टर और एक्ट्रेस का खिताब। भाग मिल्खा भाग को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, राकेश ओम प्रकाश मेहरा बने बेस्ट डायरेक्टर। लंच बॉक्स के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब, रामलीला के लिए सुप्रिया पाठक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। रांझना के लिए धनुष को बेस्ट मेल डेब्यू का खिताब, शुद्ध देसी रोमांस के लिए वाणी कपूर को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड। तनुजा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जॉली एलएलबी के लिए सुभाष कपूर को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड।